हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो WWE का नेक्स्ट प्रीमियर इवेंट होने वाला है बैकलैश मई 6 को प्यूर्टो रिको में। तो इस वीडियो में लेकर आए हैं इस शो की मैच कार्ड एंड विनर्स प्रेडिक्शन। तो इस शो का पहला मैच है एक स्पेशल सिक्स मैन टैग टीम मैच जो ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है। मैट रिडल एंड द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस केविन ओव्स एंड सेमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा एंड द फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस द उसोस द ब्लड लाइन। इस मैच के विनर की बात करें तो ब्लड लाइन अपने मैचेस बहुत कम हारती है और फिलहाल सोलो सिकोवा को काफ़ी डोमिनेट दिखाया जा रहा है, तो इस हिसाब से ब्लड लाइन इस मैच को जीत सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से मैट रिडल, केविन ओव्स एंड सेमी ज़ेन ही इस मैच को जीतने वाले हैं। नेक्स्ट मैच है रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच। द ईएसटी ऑफ WWE प्रियंका बेलेयर अपना टाइटल डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ डैमेज कंट्रोल इयो शिराई। इस मैच में टाइटल चेंज का बहुत कम चांस है और इस मैच को जीतकर अपना टाइटल रन कंटिन्यू रखने वाली है द ईएसटी प्रियंका बेलेयर। और इसके बाद नेक्स्ट मैच है एक स्पेशल सिंगल्स मैच बैटल ऑफ जायंट्स, द ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉनसन रीड। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कुछ हफ्ते पहले रॉ पर एक सिंगल्स मैच हुआ था, लेकिन ये दोनों उस मैच में काउंट आउट हो गए थे और उस मैच का विनर हमें देखने को नहीं मिला था। मेरे हिसाब से ये मैच हमें बैकलैश के शो पर देखने को मिलने वाला है और इस मैच के विनर की बात करें तो डेफिनेटली बॉबी लेस्ली ही इस मैच को जीतने वाले हैं। और नेक्स्ट मैच है एक स्पेशल टैग टीम मैच, द लूचा लेजेंड WWE हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो एंड बैड बनी वर्सेस डेमन प्रिस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो द जजमेंट डे। ये मैच इस शो के लिए कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली ये मैच हमें इस शो पर देखने को मिलने वाला है। और इस मैच के विनर की बात करें तो बैकलैश पीपीयू को होस्ट कर रहे हैं बैड बनी और ये मैच उनके होम टाउन प्यूर्टो रिको में हो रहा है, तो किसी भी कीमत पर बैड बनी एंड रे मिस्टीरियो की टीम इस मैच को हारने वाली नहीं है। अगला मैच है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच। द इरेडिकेटर रिया रिपली अपना टाइटल डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट जेलिना वेगा फ्रॉम द लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर। इस मैच में टाइटल चेंज का बिल्कुल भी चांस नहीं है और यहाँ पर रिया रिपली अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन करती हुई नजर आएंगी और मेरे हिसाब से उनका यह टाइटल रन काफ़ी लंबा रहने वाला है। और इसके बाद होने वाला है पॉसिबली इशो का मेन इवेंट एक स्पेशल सिंगल्स मैच, फर्स्ट टाइम एवर मैच, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। इस मैच के अंदर की बात करें तो इस मैच के अंदर बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस राइवलरी के हमें मल्टीपल मैचेस देखने को मिलने वाला है, तो फर्स्ट मैच ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।